आ रही है, मैं उनको रोकूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो भी यहाँ पे वापस टॉप पे आए हैं, तो उनसे हम जानेंगे, ये जानेंगे यहाँ के मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले यहाँ का जो ड्राइवर है, यानी कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, मैं उसे कुछ जानना चाहूँगा। भैया आपका नाम? अच्छा भैया आप कहाँ से आए हैं? अच्छा किस दिन आए हैं आप? नारायण में आपका सीट है। अच्छा, और कैसा रहा आपका टूर? बहुत अच्छा रहा टूर, फैमिली लेके हैं लोगों से, बड़ी अच्छी फैमिली। तो क्या हम ये जो फैमिली के जो लोग हैं इनसे भी बात कर सकते हैं? यहाँ पे फ्रंट पे बैठा हुआ एक भाई है मेरे साथ। भाई एक तो आप अपना नाम बताएं जरा, और दूसरा ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका टूर कैसा रहा? अच्छा सर्दी बहुत है। अच्छा बाबू सर का मौसम कैसा है? अभी आप वापिस आ रहे हैं या अभी आए हैं? अच्छा यहाँ पे एक छोटी बच्ची है हमारे साथ, उसका नाम आइलिश है। तो आइलिश आप कहाँ से आए हो? लाहौर से। और लाहौर से आके तो आपने कैसा फील किया यहाँ? अच्छा मौसम कैसा है यहाँ? बहुत प्यारा मौसम है। और आपने स्टे कहाँ पे किया? किया। और अभी आप कहाँ पे आए हो? बाबू सर टॉप पे आए हो। तो बाबू सर टॉप का मौसम जो है वो कैसा है? बहुत प्यारा। शुक्रिया आपका आइलिश, और हम चाहेंगे कि आपका सफ़र जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अच्छा पहाड़ आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। जी सर आप हमें बताएँ कहाँ से आए हैं आप? पहाड़ कैसे लगे आप? इतनी बात इतना मुआवजा है कि मैं बता नहीं सकता, ये मेरे बताने से भी पाया। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने खास करके हिंदू की शराब, जब मैं आसमान और जमीन को देखता हूँ तो मुझे जिसमें ताकि बहुत बड़ी कुदरत है। और इसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जब भी अपने जिंदगी में एंजॉय करने के लिए किसी जगह को चूज करें, बाबू टॉप सबसे कोई अच्छी बात है। शुक्रिया सर। यहाँ पे बहुत सारे टॉप पे, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं, और आप सारा ये मंजर देख सकते हैं। और यहाँ पे खास करके जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिप लाइन जो है, साइकिल जिप लाइन, और मैं उसको आज आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि ये किस तरह से साइकिल में लोग जो है इस साइकिल पर चलाते हैं और लोग इसको इंजॉय किस तरह से करते हैं। तो आए नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका नाम है, और इनसे हम जानेंगे अच्छा 500 रुपये आप देते हैं, ये 500 रुपये यहाँ से जो कस्टमर आते हैं उनसे चार्ज करते हैं। गरीब आदमी को डिस्काउंट। अच्छा आप 200 भी ले लेते हैं, 250 भी ले लेते हैं, और इसके अलावा 500 तो मैक्सिमम। ठीक है आए नाजीन ऊपर चलते हैं और इससे साइकिल चलना। मैं यहाँ पे इस साइकिल जिप लाइन को ट्राई करने लगा हूँ, और आप देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको ड्राइव करता हूँ, और ये साइकिल जो है केबल के ऊपर चलाकर मैं इस साइड से उस साइड पे जाऊँगा।
रहने। अभी आपने देखा कि नेशनल न्यूज़नामा की टीम आज यहाँ पे है और उन्होंने जिप लाइन साइकिल को भी आज यहाँ पे ट्राई किया। और ये नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर पहली दफा होगा कि हम बाबूसर टॉप पे आए और हमने आके आपको जिप लाइन साइकिल के बारे में बताया। तो नाज़रीन, आप जरूर जब भी बाबूसर टॉप पे आए तो आप यहाँ पे इस राइड को जरूर इंजॉय करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। और पाकिस्तान में इस तरह के जो जो लम्हात हैं वो कभी कभी जो है वो मिलते हैं, और ख़ास करके गर्मियों के जब दिन होते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए, यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो आप लोगों के लिए ये सारा मंजर मैं आप फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 500 रुपीज़ वो आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी आप लोगों के लिए बैठे हैं ताकि आप लोग उनकी हौसला अफजाई करें, उनको जो है प्रमोट करें। और ख़ास करके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों का जो रोज़गार है इन्हीं कामों पे है। तो आप यहाँ पे आएँ और ज़रूर इसको ड्राइव करें, इसको चलाएँ। इसके अलावा जिप लाइन वो आप देखें सामने, वो भाई जा रहे हैं एक जिप लाइन पे राइड करते हुए दूसरी साइड पे। और मैंने भी यहाँ पे सफ़र किया और आपने देखा भी है कि ये बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, अब ये उतारते रोकते हैं। सैफ आलम, आप हमें बताओ ज़रा कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं इस तरह की राइड करने के लिए? इस तरह के राइड करने के लिए कम अज़ कम हमारे पास रोज़ाना आते हैं, और मतलब एक अच्छी इनकम जो है वो आप जनरेट कर लेते हैं। कोशिश कर लेते हैं मगर इसमें कम ज़्यादा होता है, मतलब कम अर्निंग होती है। अच्छा, लोग मतलब बार्गेनिंग करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं पैसे कम करो, ऐसे ही है? सही है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों का खर्चा भी होता है और आप लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, और हम ज़रूर अपने चैनल पे भी आपको प्रमोट करेंगे और हम चाहेंगे कि लोग आपके पास आएँ और इस केबल को जो है वो ज़रूर इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद अली, वो मुल्तान से आए हैं और बाबूसर टॉप पर यहाँ पर मिले। सर, आप क्या सोचते हैं कि बाबूसर टॉप का मौसम कैसा है? अच्छा, आपने ये जिप लाइन को ट्राई किया? नो सर, हमने यहाँ तो ट्राई नहीं किया, हमने नारायण ट्राई किया। अच्छा, वहाँ पे भी है? शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक भाई मोहम्मद अरसलान जो कि चिनियोर से आए हैं और बाबूसर टॉप का जो पूरा जो मौसम है उसको एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ सर आप रहे हैं। हमारी सारी एक साल के हम दिन को मेंटली तौर पे आप रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और रफीउल्लाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी चेन्नई से हैं। सर, आप बाबू साहब टॉप के मौसम के बारे में कुछ बताना चाहें? भाई यहाँ पे आप बाबूसर टॉप पे चाय का स्टॉल लगाए हो आपने, तो आप क्या फील करते हैं कि यहाँ पे जो आने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो सयाह आते हैं, उनका जो आपके साथ रवैया है वो कैसा है? अच्छा, और कमाई अच्छी हो रही है? अच्छा, और बाबूसर का मौसम जो है आज तो बहुत अच्छा है, तो बारिश वगैरह जब होती है उस वक्त क्या सीन होता है? माइनस पे आ जाता है। अच्छा, और ये जो मतलब आने वाले जो लोग हैं उनकी आमदरफ कम हो जाती है या आते रहते हैं? आते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पे निसारुल हक मेरे साथ मौजूद है जिसकी शॉप है यहाँ पे। आपकी शॉप है यहाँ पे किस चीज़ की? कहना चाहोगे? बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाहोगे? बस चलो, थैंक यू।
नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान से हैं और यहाँ पे आए हैं नारायण पगान और फिर बाबूसर टॉप का मौसम जो है वो खूब इंजॉय करें। सर आप यहाँ के मौसम के बारे में कुछ बताना चाहें क्योंकि आप अफगानिस्तान से आए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग वो कैसे हैं? जिसके घर मनसरे में हम इसके घर में इसलिए कर दे के बोल रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, बहुत इंजॉय का मौसम है। अच्छा अभी वो बता रहे हैं कि जलालाबाद में गर्मी है और यहाँ पे मौसम खूब ठंडा है। ऐसे ही है। अच्छा यहाँ पे पीछे बर्फ नजर आ रही है, तो यहाँ का मतलब जो खाने पीने का सिस्टम है वो कैसा है? तो खाने पीने का होटल में मिलते हैं खाने पीने का, लेकिन आपने अपने साथ सारा सामान समझाया हुआ है। अच्छा तो होटलों का अपना जो साधन बनाते हो वो तो आपके साधन तो अपना होते हैं, लेकिन यहाँ पे होटलों में जो अच्छे साधन है जिस तरह जिस तरह मसलन बहुत शुक्रिया साहब। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान, वो भी यहाँ के मौसम के बारे में हमें कुछ बताएंगे और साथ ही साथ वो हमें सिद्धू मूसेवाला का कुछ गाना भी सुनाएंगे। सिद्धू सुना दो यार, आपने कहा कि मैं सिद्धू सुनाऊंगा तो सिद्धू सुना दो, बल्कि सीधा ही सुना दो। अजी तो बन नहीं होंदा ओ सड़ दे मेरे तो कई फायदे उत्ते खबरां ने कर दे मेरे तो कई खुद नू बनाना चाहंदे मेरे वर्गा मेरे वर्गा। बस बस सुना शर्मा गए हैं। नाज़रीन अभी आपने यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों के बारे में उनके ख्यालात को सुना और उन्होंने बताया कि बाबू साहब का जो मौसम है वो कैसा है। आप भी ज़रूर यहाँ पे आएँ और आके इस वेदर को जो है वो इंजॉय करें, ख़ास करके क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ का मौसम बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ जाते जाते कि आप बादलों का ज़रा सीन देखें और आप देखें कि बादल कितने खूबसूरत हैं, ब्लू और वाइट जो स्काई है वो हमें बड़ा खूबसूरत जो है वो नजर आ रहा है और इस तरफ बर्फ है। आप जरूर यहाँ पे आए और आके बाबू सर के मौसम को इंजॉय करें। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन को दें इजाजत। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।